नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता चैनल इंडिया लाइव। गुजरात चुनाव से पहले जारी हार्दिक पटेल की कथित सीडी कांड ने सियासत को गरमा दिया है। वायरल वीडियो पर पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को घेरने वाली बीजेपी अब इस विवाद में खुद ही घिरती नजर आ रही है। हार्दिक पटेल तो इस सीडी के रचयिता बीजेपी को बता ही रहे थे। इस बीच एक तस्वीर सामने आई है जिसमें सीडी कांड का कनेक्शन बीजेपी से निकलता दिख रहा है। गुजरात चुनाव में वीडियो बार के बाद अब सेक्स सीडी पर संग्राम शुरू हो गया है। यूट्यूब पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें हार्दिक पटेल एक लड़की के साथ नजर आ रहे हैं। सीडी सामने आने के बाद हार्दिक पटेल ने इस बीजेपी को साजिश बताया है। वहीं सीडी पर हंगामा बढ़ने के बाद इसे जारी करने वाले अश्विन सांकड़सरिया नाम का एक शख्स सामने आया और दावा किया है कि उसके पास हार्दिक पटेल के कई साथियों की भी सीडी है। अभी अश्विनी सेक्स सीडी को लेकर दावा ये कर रहे थे कि इसमें सामने आई इन तस्वीरों ने विवाद को नया मोड़ दे दिया। इन तस्वीरों में अश्विन केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि पूरे मामले में उनका कोई लेना देना नहीं है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि बीजेपी इस तरह की राजनीति नहीं करती है। आपको बता दें कि गुजरात में आज से पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो रहा है और उससे पहले आई सेक्स सीडी ने सूबे का राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। वैसे सीडी का सच क्या है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इससे पहले गुजरात में इस पर उठा सियासी भूचाल जल्द थमने वाला नहीं है। इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता चैनल इंडिया लाइव।